जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। वजह और नतीजे का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एवं नतीजे के रिश्ते को समझना होगा। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है, पहला, हम में कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। पॉइंट दूसरा, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की ही फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं। पॉइंट तीसरा, काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी से गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। पॉइंट चौथा, हम जब कोई बीज बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी, और अगर हम नकारात्मकता बीज बोएंगे तो हमको नकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। लोगों की प्रकृति के नियमों के विपरीत जाते देखना कोई असाधारण बात नहीं है। पॉइंट पांचवा, किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं काट सकता। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। पॉइंट छठा, हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज्यादा बोएंगे तो हम ज्यादा काटेंगे। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। यह भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नियम जैसा है। हर क्रिया यानी एक्शन की बराबर शक्ति की प्रक्रिया यानी रिएक्शन होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं जबकि वजह बरकरार रहती है। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें, वरना नकारात्मकता खाली पड़ी जगह पर अपने आप काबिज हो जाएगी। जो बात जेम्स एलन ने अपनी किताब एज अ मैन थिंकेथ में कही है, वही बात कई पुरानी कहानियों में भी कही जा चुकी है। इंसान का दिमाग बगीचे की तरह होता है। हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा भी अच्छा होगा। अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो भी कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। अगर वह जंगली घास फूस होगी, यह कुदरत का नियम है। हमारी जिंदगी का सच भी यही है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि जंगली घास फूस अच्छी बीज बोने के बावजूद उगेंगे। इसलिए निराई का काम हमेशा जारी रहना चाहिए। हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे ला दें तो पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, यह कुदरत का नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना जरूरी है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा, धन्यवाद। हमारी विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजह हैं। हमारे विचार वजह हैं। आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही फलती है। आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है। चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसी ही फलती है। इस सब की शुरुआत एक विचार से होती है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम उन चीजों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं जिन्हें चाहते हैं, बल्कि उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसी ही होती है। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। अभी आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। वे नकारात्मक सोच वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, बुरे से बुरे नतीजे की उम्मीद करते हैं और कभी मायूस नहीं होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सामाजिक समारोह में सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, दूसरी ओर असफल लोग असफल लोगों को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से सिर जोड़कर सिकवा शिकायतें करते हैं, कलपते और बिलखते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पॉइंट 9वां, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। धन्यवाद।
अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर DM कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।